भारतीय ड्रैग फ्लिकर रूपिंदर पाल सिंह ने 2007 में बनी शाहरुख खान की चक दे इंडिया फिल्म में खेल की तरह एक पल आया, जहां पर शाहरुख खान ने भारतीय महिला टीम में हॉकी कोच की भूमिका निभाई थी। भुवनेश्वर में ओलंपिक क्वालिफायर से ठीक पहले अनुभवी खिलाड़ी ने युवा टीम को उसी तरह से आगे बढ़ाया जैसे कि एसआरके ने फिल्म में अपनी टीम के साथ किया था। सिंपल था काफी, उनको यही बोला था कि अगर ये दो मैच हैं हमारे जो तीन साल जो हमने हार्ड वर्क किया है, जहाँ 16 के बाद ओलंपिक के बाद, जहाँ आप हम लोग सभी ओलंपिक के सपने के साथ खेलते हैं राइट, जब से हम हॉकी स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, दीज आर द ओनली टू गेम्स जहाँ पे हमें अपना सपना देख सकते हैं, अदरवाइज अगर ये कुछ नहीं है तो उसके बाद भाई दे वॉन्ट बी ओलंपिक दिस ईयर राइट, हम नहीं जा सकते वहाँ पर। तो यही था कि हमें ऐसे मोटिवेट करते थे कि जहाँ की इसके बाद ये दो गेम्स हैं, दो गेम्स के बाद आप जो मर्जी करो, लेकिन इस दो गेम में हमें जीतना है एनी हाउ। तो यस, भुवनेश्वर में हुए दो मैचों के बारे में ड्रैग फ्लिकर ने कहा, आई थिंक ये जस्ट क्वालिफायर गेम्स ऐसे ही होती हैं, बिकॉज यू नो ये गेम्स ऐसी हैं कि आप डू एंड डाई के लिए खेलते हो और रशिया वही कर रही थी, सो आई थिंक दे आर प्लेइंग वेल, ऑफकोर्स लाइक वी कैन डू बेटर इन दोज गेम्स। आई थिंक फर्स्ट गेम वॉज लाइक लिटल स्लोपी फॉर अस एंड सेकेंड गेम में, फर्स्ट गेम में हमने चांस मिस किए हैं, सेकेंड गेम में मिस किए हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि हमने क्वालिफाई किया है और देखा जाए तो अभी जो नेक्स्ट ओलंपिक है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। रुपिंदर को लगता है कि टीम में सीनियरों के वापसी करने पर टीम का संतुलन अब ठीक हो गया है। आई थिंक अभी ठीक है, अभी देखा जाए सभी लाइक यंगस्टर है बीच में और एक्सपीरियंस गाय बीच में, और आई थिंक जब तक हमारी ओलंपिक गेम आएंगी अभी नेक्स्ट ईयर, उसके पहले हम प्रो लीग के 20-20 मैच सभी खेल लेंगे तब तक, और वो भी अच्छी टीमों के साथ होंगे वो हमारे जो 20 मैच हैं, तो वो एक अलग हमें एक्सपीरियंस देंगे तब, तो इट विल बी गुड कि जो भी हमारे बीच में जूनियर गाइज हैं तो उनको और एक्सपीरियंस मिल जाएगा बिफोर ओलंपिक्स, तो आई थिंक इट विल बी गुड कि अभी एक्सपीरियंस और जो जूनियर गाइज हैं उनको और एक्सपीरियंस मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा। और